सियासतदान की ईद क्या होती है? बिल्कुल आप जैसी ईद होती है। आपको ईदी मिलती है? अभी भी ईदी मिलती है। वालदा को आप अपनी कामयाबी का क्रेडिट देते हैं, हमने अक्सर इंटरव्यूज में ये भी सुना है। वालदा ने सिंगल हैंडेडली हमें पाला, चार बहन भाइयों को परवरिश की। ये तो एक ऐसी कमी है यार जो कभी मैं समझता हूँ पूरी नहीं हो सकती। भाभी को ईदी देते हैं आप? ले लेती है वो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मीठी ईद का दिन है और ये बड़ा अहम त्यौहार है क्योंकि पूरा महीना इबादत की जाती है और रमज़ान मुबारक वैसे भी मुसलमानों के लिए बहुत अहम त्यौहार होता है और इसके बाद ईद के दिन को इनाम का दिन भी कहा जाता है। तो इस दिन खुशियां बांटी जाती हैं, जो ख़ानदान के ख़ानदान हैं वो एक दूसरे के साथ बैठते हैं, गपशप करते हैं। तो आज हमारे साथ सियासतदान हैं और बड़े एनर्जेटिक सियासतदान हैं, मुर्तज़ा वहाब सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक सबसे पहले तो आपको। आपको भी शायद बहुत बहुत ईद मुबारक। तो बड़ा एक मुसर्रत का त्यौहार कहा जाता है ईद को, और जब ईद का दिन होता है तो मुझे अपने बचपन के दिन बड़े शिद्दत से याद आते हैं। बचपन के दिन वो के जब हम तैयारी करते थे ईद की, बड़ी एक्साइटमेंट होती थी और ईदी मिलने की एक खुशी होती थी, रात भर सोचते थे कि कल कितनी ईदी मिलनी है। बचपन के दिन, ईद के दिन बड़े याद आते हैं। तो आप पहले ईदी लेते थे, अब आप देते हैं। तो अपने ज़रा बताएं बचपन की ईद को, आज उसको याद कर लेते हैं। आई थिंक शायन बचपन की ख़ास बात ही ये है कि हमेशा बचपन याद आता है और गुजरा हुआ ज़माना याद आता है। तो मेरा भी उसी तरह, हर बच्चे की तरह जैसी ईद गुजरती है, अच्छा बचपन गुजरता है, वैसा गुज़रा। दादा नाना नानी के साये में गुज़रा, वालदैन के साथ। हम लोग एक छोटे से मोहल्ले में रहते थे, दादा हमारे साथ रहते थे और नाना नानी मामू का घर बिल्कुल हमारे पीछे था। तो उनके कॉन्स्टेंटली नाना नानी मामू खालाओं के साथ, दादा वालदैन के साथ गुज़रा। तो बड़ा अच्छा टाइम था जब पैसे शायद कम होते थे लेकिन खुशियाँ ज़्यादा होती थीं। एहतमाम के साथ नमाज़ पढ़ने जाते थे, उसके बाद घर आए सीधा दादा के पास गए, उनसे ईदी ली, वालदैन से ली, फिर नाना नानी के पास गए और ईदी ली। तो एक उसकी एक्साइटमेंट ही और होती थी। और अब तो वो प्लास्टिक मनी का ज़माना आ गया ना। अब तो उस ज़माने में इफ़ यू रिकॉल, आई एम श्योर आपका भी उसी एज ग्रुप के हैं, वो कड़क कड़क नोट मिलते थे। वो उस ज़माने में वो 2 रुपए के कड़क नोट, 5 रुपए के कड़क नोट, 10 रुपए के कड़क नोट, जो जो वक्त तब्दील होता गया वो 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए इस तरह बढ़ते गए। बट उसकी एक्साइटमेंट ही एक और होती थी कि 30 रोज़ ख़त्म होने में सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट ये थी कि बस अभी ईद की नमाज़ पढ़ी और सीधा जाएंगे और ईदी लेंगे। और बकरीद में एक्साइटमेंट नहीं होती थी, बिकॉज़ बकरीद में जब ईद की ईदी की डिमांड करते थे तो जवाब आता था भाई कि ईद उल अज़हा पे आपको गोश्त मिलता है, ईदी नहीं मिलती है। सियासतदान की ईद क्या होती है? यानी कि हम अपनी ईद को अगर देखें कि जो नौजवान है वो कहते हैं यार बोरिंग है ईद, सो के गुजारते हैं वो लोग। सियासतदान क्या करता है ईद के दिन? बिल्कुल आप जैसी ईद होती है। ये जो सोचते हैं ना कि कोई वज़ीर है, कोई मुशीर है, कोई फलां बड़े ओहदे पर है तो उसकी ईद मुख्तलिफ होगी, कोई डिफरेंस नहीं होता। हम भी उसी तरह जाके नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद कब्रिस्तान जाते हैं, घर आते हैं। मैं नमाज़ पढ़ता हूँ अपने मामू के साथ और अपने भाई और कज़न्स के साथ। छोटा सा ख़ानदान है हमारा, इमीडिएट फैमिली जो है, सब साथ नमाज़ पढ़ के कब्रिस्तान से फिर यहीं घर आते हैं हम लोग। ये चूँकि मेरी वालदा का घर है तो सबके लिए, वालदा सबसे बड़ी थी, तो आते हैं नाश्ता यहाँ पर साथ करते हैं। और उसके बाद फिर रिश्तेदार भी आना शुरू होते हैं और हम मुख्तलिफ रिश्तेदारों के पास जाते हैं। और अब एक्साइटमेंट वो मेरे बच्चों की ज़्यादा होती है, बिकॉज नाउ मैं रिसीविंग एंड पे नहीं हूँ, मैं गिविंग एंड पे हूँ। वो मेरे बच्चे आते हैं, पूछते हैं हाँ जी ईदी दीजिए, अब ईद मुबारक। वाह वाह वाह। अच्छा बचपन में कितनी ईदी मिली और क्या करते थे, ईदी कहाँ खर्च करते थे? ईदी नाना नानी, दादा, वालदेन, कुछ क्लोज़ रिश्तेदार। उस ज़माने महल्ले का भी बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट होता था। हम लोग जिस एरिया में रहते थे, पड़ोसियों के पास गए, वहाँ से भी आपको ईदी वगैरह मिली। तो ईदी मिलती थी, उसमें कुछ हम आइसक्रीम खा ली, कुछ कोल्ड ड्रिंक शोल्ड ड्रिंक पी ली। कुछ बड़े हुए तो कुछ पैसे अपने पास रखे और रेस्टोरेंट पे जाके
खाना वगैरह खा लिया। हमारी वालदा जो है वो जब तक बच्चे थे ईदी ले लेती थी और कहती थी कि तुम जब शॉपिंग करना हो या कोई चीज़ ख़रीदनी हो तो यू कैन यूटिलाइज दिस मनी। लेकिन जो बड़े होते गए तो फिर वो इंडिपेंडेंस बढ़ी, अब वो ये कि पैसों को फिर ख़ुद इस्तेमाल करते थे। अभी भी ईदी मिलती है जो मेरे बड़े हैं, मेरे मामू शौक़ से मुझे ईदी देते हैं। इनफैक्ट मुझे दिन की पहली ईदी आज जो है वो मेरे मामू से मिली। तो ईदी मिलती है अब भी? जी जी, मेरे मामू मेरे बड़े हैं, खाला मेरी ईदी देती हैं, मेरी सास ससुर मुझे ईदी देते हैं, तो चार पांच जगहों से मुझे ईदी। क्या बात है, आप तो बड़े लकी हैं, वरना लोग ये शिकवा करते हैं कि यार बच्चों को ईदी देनी पड़ती है, मिलती नहीं है। तो सबसे ज़्यादा ईदी आपको क्या उस वक्त लगता था कि कौन देगा आपको, आपको जो एक्साइटमेंट होती थी कि यार यहाँ से मुझे ईदी सबसे ज़्यादा मिलनी है? सबसे ज़्यादा ईदी मेरे ख्याल में मेरे नाना मुझे देते थे, और नाना के बाद मेरी वालदा देती थी। अगर फुप्पी कभी वो पाकिस्तान से बाहर रहती थी, इनफैक्ट रहती हैं, अगर वो ईद पर आई भी हो तो उनसे मिल जाते थे। बट जो भी था वो एक अच्छा अमाउंट बनता था और फिर हम थोड़ा इन्जॉय करते थे। अच्छा, बचपन की ईद में और आज की ईद में क्या फ़र्क है? उस वक्त ज़ाहिर है टेक्नोलॉजी इतनी आम नहीं थी, मोबाइल्स का ज़माना नहीं था, वो आज हर बंदे के पास मोबाइल है, वो ईद मुबारक भी करना वो कॉल भी नहीं करता, वो एक व्हाट्सएप पे मैसेज चला देता है, वो सबके पास चले जाते हैं। तो उस ईद में और आज की ईद में क्या फ़र्क है? मैं एक वाक़या सुनाता हूँ आपको। आजकल तो ये होता है कि हम ईद मुबारक किसी को विश करना होता है तो एक ही मैसेज होता है, वो फॉरवर्ड कर देते हैं सबको, या कार्ड्स आपके छप के आते हैं, वो आपका स्टाफ प्रिंट करता है एंड भेज देते हैं। हमारी वालदा जब नई नई सियासत में आई और उन्होंने ईद के कार्ड्स लोगों को देना शुरू किए, तो कार्ड प्रिंट होते थे लेकिन वो लोगों के एड्रेसेस हम खुद लिखते थे उसके ऊपर घर पे। मैं, मेरा बड़ा भाई, मेरी छोटी बहन, हम तीनों बैठ के लिफाफों के ऊपर जो है कार्ड लिखते थे कि शायान एड्रेस नंबर सो एंड सो। तो वो एक एक्टिविटी होती थी। लेकिन अब जहाँ जहाँ वैसे एडवांसमेंट हुई है तो सिचुएशन ऐसी हो गई है कि आप ईमेल कर देते हैं लोगों को, व्हाट्सएप कर देते हैं, ट्विटर पे, फेसबुक पे लिख देते हैं। तो ज़िंदगी आसान हो गई, अब ये वो वाली चीज़ें नहीं हैं जो उस ज़माने में होती थी। ईद के दिन ज़ाहिर है वालदेन की कमी तो महसूस होती होगी, जिस तरह भी आपने तस्करा किया। वालदा को आप अपनी कामयाबी का क्रेडिट देते हैं, हमने अक्सर इंटरव्यूज़ में ये भी सुना है वालदेन ईद पर नहीं होते। क्या मेमोरीज़, बचपन की तैयारियाँ, क्योंकि हमें याद है हमारी वालदेन हाथ पकड़ के ले जाते थे, ये लेना है ये लेना है, हम ज़िद कर देते कि नहीं ये हमें सूट चाहिए। कुछ ऐसी मेमोरीज़ जो वालदेन के साथ आपकी रही हो, स्पेशली वालदा के साथ, क्योंकि आप बड़े अटैचमेंट आपकी रही। वालिद साहब, मैं 9 साल का था जब वालिद साहब की डेथ हुई, तो वालिद साहब के साथ की इतनी याद मेरी नहीं है ईद से रिलेटेड। हाँ, ईद की नमाज हमने साथ पढ़ ली, बट वालदा ने सिंगल हैंडेडली हमें पाला, चार बहन भाइयों को परवरिश की। तो वालदा का वैसे ही एक बड़ा कलीदी किरदार होता है आपकी ज़िंदगी में, लेकिन जब वालदा और वालिद दोनों का किरदार वो अदा कर रही हूँ, तो शी वॉज़ लाइक अ फ्रेंड, जिस तरह गाइड करती थी हर चीज़ पे, तो शॉपिंग भी कराती थी, डांट डपट भी करती थी, वो आँखें घूरती भी थी, प्यार भी करती थी, गाइड करती थी। तो ये तो एक ऐसी कमी है यार जो कभी मैं समझता हूँ पूरी नहीं हो सकती। और मैं आज ईद के तवसुत से आपके तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अपने वालदैन की इज़्ज़त करें, प्यार करें, ज़बरदस्त उनको झपियाँ दिया करें, उनके पैरों को चूमें। जब नहीं होंगे तो बड़ा दुख होता है, और ये कमी वो लोग महसूस कर सकते हैं जिनके पास वालदैन जैसी नेमत इस वक्त मौजूद नहीं है। भाभी को ईदी देते हैं आप? ले लेती है वो। ज़बरदस्ती लेती है या अपनी मर्ज़ी से ले लेती है जितने भी, या आप नाप तोल के देते हैं पैसे? वो एक्चुअली मुझे आदत, शादी के बाद जो है ना वो आदत नहीं थी ना ईदी देने की बेगम को, तो मैंने भी ऐसी टेक इट फॉर ग्रांटेड लिया गया, देने की ज़रूरत नहीं। तो वो मुझे बताती है, कहती है भाई ईदी देनी है, तो बस अब वो एक थोड़ी बहुत आदत हो गई है। क्या बात है, बच्चों की शॉपिंग आप खुद करते हैं ईद की, या भाभी कर लेती है, या बच्चों के साथ कहीं होता है? मोर और लेस तो वाइफ कर लेती है, लेकिन मैं भी थोड़ा बहुत कोशिश करता हूँ इन्वॉल्व हूँ। तो अब की बार थोड़ा फ़ायदा ये हुआ कि इतवार के दिन मैं भी शॉपिंग करने बच्चों के साथ चला जाता था। इनफैक्ट वो बड़ा मज़ेदार वाक़या हुआ पिछले इतवार को, जो लास्ट इतवार था बिफोर ईद।
मैं दोपहर को चले गए हम शॉपिंग करने के लिए, तो बच्चों के साथ शॉपिंग की, तो सामान उठा के मैं जा रहा था, तो लोग देख रहे थे, कहते वो देखो यार वो मुर्तज़ा वहाब जो है ना वो फैमिली की इस वक्त खिदमत में मुलव्वस है, एक किसी आंटी ने किसी अंकल को वो देखो वो कर रहा है, तुम क्यों नहीं करते हो। हाय हाय वाह भाई, आपको एग्जांपल सेट कर रहे हैं आप ये। नहीं बट लड़कों की नज़र में शायद दूसरा एग्जांपल सेट हो रहा हो कि यार क्यों मैं मरवा रहा है यार। ये बात भी सही कही आपने, ससुराल डे मनाते हैं आप ये। जी जी अच्छा। मैं भी एक नॉर्मल पाकिस्तानी यार। जिस तरह आप हैं सुनने वाले देखने वाले तमाम लोग हैं, तो मैं भी उन्हीं में से हूँ। ईद के दिन जैसा मैंने बताया कि सुबह नमाज के फौरन बाद मेरी साइड ऑफ द फैमिली जो है जो मर्द हज़र आते हैं माम जो नमाज के लिए जाते हैं वो मेरे घर आ जाते हैं, हम सब साथ नाश्ता करते हैं और दोपहर का खाना मैं ससुराल जाके खाता हूँ। बहुत भी उन लोगों में से ही हैं जो समझते हैं कि ईद के दिन शीर खुरमा या कुछ मीठा नहीं खाया तो फिर ईद फीकी फीकी सी लगती है, या कुछ फरमाइश करते हैं कि ये बना लें ईद के दिन, कुछ ऐसा खा लेते हैं कुछ वैसा खा लेते हैं, ऐसा है कुछ? यार मैं कभी भी शीर खुरमा वैसे मुझे पसंद नहीं हुआ, आई हैव नेवर बीन अ फैन ऑफ शीर खुरमा, लेकिन अब मुझे चूँकि शुगर हो गई है तो मैं मीठा खा नहीं पाता हूँ, तो मैं ईद पे मेरे लिए एक्साइटमेंट होती है, मैं वो लच्छेदार पराठे खाता हूँ जो कि क्वेटा पठान होटल के होते हैं ना, वो कड़क वाले वो पराठे खाता हूँ, और वाइफ हमारी कुछ कीमा शीमा बनाती हैं सुबह एज ट्रेडिशन, और अंडे वगैरह खाते हैं भाइयों के साथ फैमिली के साथ बैठ के, तो वो इंजॉय करता हूँ। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा वहाब साहब, आपने हमें टाइम दिया, और ईद का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है, एक दूसरे से मिलें, गिले शिकवे दूर करें और इस पुर मुसरत जो ईद का त्यौहार है इसको इंजॉय करें।